सवे भवन्तु सुखिनः। सत्य भाग चार। सत्य सदाचारी शीलवान धर्मवान बने। आस्तिक नास्तिक सभी मत संप्रदाय सत्य सदाचरण सात्विकता को स्वीकारते हैं। लेख का उद्देश्य साक्षी दृष्टा भाव से सत्य से युक्त आचरण सत्कर्म के लिए प्रेरित करना है। सत्य सात्विकता ही आध्यात्मिक लक्ष्य का आधार है। संत दादू का कथन है, सीधा मार्ग सांच का, सांचा होए सो जाए, झूठे को कुछ न मिले, दादू दिया बताए। यानी कि सत्य का मार्ग सीधा है। जिसका मन सत्य में समाहित हो जाता है, वह मुक्ति लोक में पहुंच जाता है। झूठे को, तामसिक को, ना ही दिव्य सुख शांति आनंद की अनुभूति हो पाती है और ना ही मुक्ति लोक में ही पहुंच पाता है। दया धर्म का रूखा सत से बदता जाए, संतों को फूले फले वही अमर फल खाए। यानी कि जो निर्दयी है, स्वार्थी है, यदि उसका भी सत्य से संयोग हो जाए तो वह भी अंगुलीमाल वाल्मीकि आदि की तरह निर्दयी से दयावान और स्वार्थी से परमार्थी बन जाता है। सत्य के संयोग से ही मन शुद्ध होता है। जिसका सत्य से संयोग हो जाता है, वह अमर यानी कि मुक्ति लोक में पहुंच जाता है। तुलसीदास जी का कथन है, नहीं है सत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होही की कोटिक गुंजा। अर्थात असत्य सबसे बड़ा पाप है। करोड़ों घुंचियां भी मिल जाएं, तो भी वह पहाड़ के समान नहीं हो सकती है। अर्थात सत्य पहाड़ के समान अत्यंत विराट है, तथा सत्य ही अध्यात्म की आधारशिला है। सत्य का मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। असत्य पापों के समूह से भी अधिक बक है, क्योंकि पाप का परिणाम तो दुख है, लेकिन असत्य का परिणाम तो केवल बंधन है। महाभारत में लिखा है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञों की अपेक्षा सत्य का स्थान ऊंचा है। जैसा कि महाभारत में द्रोणाचार्य वध का प्रसंग है, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, भीम अश्वत्थामा हाथी का वध करने के उपरांत द्रोणाचार्य से कहेगा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। द्रोणाचार्य पुष्टि करने के लिए प्रश्न करें तो जवाब देना कि अश्वत्थामा मर गया है, मनुष्य अथवा हाथी। जैसे ही तुम अथवा हाथी शब्द बोलोगे, हम उस शब्द नरो वा कुंज को शंख की ध्वनि में दबा देंगे। युधिष्ठिर इससे सहमत नहीं हुए, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं होने के कारण उन्हें ऐसा कहना पड़ा। यह अर्ध सत्य था, लेकिन ऐसा कहते ही उनका रथ, जो सत्यवादी होने के कारण भूमि से उंगल भर ऊपर उठकर चलता था, भूमि पर आ गया। अतः असत्य आध्यात्मिक पतन का, आध्यात्मिक अधोगति का, निम्नगति का कारण बनता है। सत्य वह साधन है जो कि असुरत्व से देवत्व की ओर ले जाता है, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। झूठ असत्य ही वह साधन है जो कि मानव को विकारी बना देता है, असुरत्व की ओर ले जाता है। लगातार 5